हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 कोचिंग क्लासेस में। तो गाइस, अभी 19 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है 10th क्लास का। तो गाइस, मैं आपके लिए कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड लेकर आया हूँ कि जो आपको 1000% आपकी एग्ज़ाम में उस दिन मिलने वाले हैं। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुँच सके जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, लेकिन यदि वो चार दिन भी अच्छे से तैयारी करेंगे और जो सिलेक्टेड दिए हुए मेरे क्वेश्चनों को करेंगे तो वो बच्चे भी 90 अबो कर सकते हैं। और जो पहले से पढ़ता आ रहा है वो तो 100% है कि मतलब अच्छे मार्क्स लेकर ही आएगा, है ना। तो इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस बात की उम्मीद थी। तो लेंचो होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, है ना, मतलब एक अच्छी फसल होने की उम्मीद थी उसको। और द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, और उसकी फसल को अब जरूरत थी किन चीज़ों की, है ना, उसकी फसल को अब जरूरत थी, है ना, मतलब पानी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हु रीड्स द लेटर, पत्र को किसने लिखा है। तो पत्र, हु रीड्स, है ना, द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। तो द पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना कि पत्र को किसने लिखा, हु राइट आएगा उसमें, ठीक है, और इसमें आएगा आपका हु रीड्स, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि व्हाट मेड द लेंचो एंग्री। अब लेंचो एंग्री क्यों हुआ था। तो ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 pesos और ही गोट ओनली 70 pesos, कि मतलब जो लेंचो था उसने कितने पैसे मांगे थे भगवान से, 100 pesos, लेकिन पोस्ट मास्टर ने इन्हें कितने रखे थे, 70 pesos। तो उसे ऐसा लगा कि यार इन जो बैंक के जो लोग कर्मचारी हैं या पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग हैं, है ना, उन लोगों ने पैसे निकाल लिए हैं, है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा गुस्से में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता हमारा, कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। तो मंडेला ने क्या सोचा था। तो मंडेला थिंक्स, है ना, मंडेला थैंक्स, मंडेला ने धन्यवाद दिया था जो इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, है ना, मतलब बाहर के जो नेता आए थे उनका क्या किया था। मंडेला थिंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स टू द प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ टू विटनेस विक्ट्री फॉर द जस्टिक फॉर द पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 100% आने वाला है, कि वाई वर द टू नेशनल एंथम संग, मतलब दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। तो द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है टू मेजर, है ना, कम्युनिटीज़, कहने का मतलब साउथ अफ्रीका में दो कम्युनिटी से दो तरह के लोग हैं, एक तो ब्लैक और एक, है ना, मतलब एक ब्लैक एंड वाइट, दो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वहाँ पर, जिससे वहाँ पे दो प्रकार के जो लोग हैं इसलिए वहाँ पे दो प्रकार के राष्ट्रगान गाए जाते हैं आज भी वहीं। तो उसी को मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन बाय मंडेला। मंडेला का मतलब साहस से क्या आशा। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज विक्ट्री फॉर फियर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई। अब जो छोटा सा सीगल था वो क्यों डर रहा था उड़ने के लिए। तो आपको मालूम है क्यों डर रहा था, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। द यंग सीगल वॉज अफेयर टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। मतलब उसे डर लग रहा था कि यार मेरे पंख मुझे मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब मैं उड़ नहीं पाऊंगा। उसके मन में क्या था, फियर था, पूरा का पूरा डर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल फाइनली फ्लाई। तो द साइट ऑफ द फिश कंपेल्ड हिम टू मेक द, है ना, डिस्परेट अटेम्प्ट टू फ्लाई, और एट दिस मोमेंट हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, ठीक है। मतलब वो फाइनली कैसे उड़ा, क्योंकि वो भूख से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और अब उसे खाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना, उसे अंदर से ऐसा फील हो रहा था, और बस उस खाने के अटेम्प्ट में ही उसने, उसका जो डर है उससे बाहर निकला वो, और उसने छलांग लगाई और वो नदी में गिर गया समुद्र में।
उड़ने लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आई विल टेक रिस्क और व्हाट इज द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा और रिस्क क्या है, तो द रिस्क इज टू फ्लाई द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट है ना थ्रू द स्टॉर्म, मतलब उस तूफान में, उस स्टॉर्म में है ना उस एरोप्लेन डकोटा एरोप्लेन को है ना उड़ाना ही बहुत बड़ी रिस्क थी नैरेटर की। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 100% आपका ये जो क्वेश्चन है वो 100% आपका आएगा, कैसे वो देखो आप, कि व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर स्ट्रेंजली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% ये क्वेश्चन आने वाला है गाइस। तो द वुमेन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नैरेटर स्ट्रेंजली, पूरा क्वेश्चन में से कि उस महिला ने उस कहानीकार को या कथाकार को जो मतलब पायलट था उसको बहुत अजीब तरीके से देखा, कि वेन ही आस्केड हिम द, जब उसने ऐसा कहा किस बात, क्या कहा था उसने, कि वेन ही आस्केड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन, उसने कहा कि मेरे साइड में एक और एरोप्लेन था, इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वेयर फ्लाइंग सी वाज सरप्राइज्ड हिम द क्वेश्चन, क्योंकि जो कंट्रोल सेंटर वाली जो वुमेन थी उसको पता था कि उसके आइट साइड में कोई दूसरा प्लेन नहीं था है ना, इस कारण से उसने उसको अजीब तरीके से देखा था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% नहीं, 1000% ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है ना, जिसने भी नहीं किया वो क्वेश्चन को कम्प्लीटली करे। वाई डज एनी वॉन्टेड टू कीप डायरी, एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी, बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एनी के पास कोई दोस्त नहीं था है ना, इस कारण से वो क्या करना चाहती थी, एनी का कोई भी दोस्त नहीं था, इस कारण से वो दोस्त बनाना चाहती थी, और वो अपना दोस्त ऐसा नहीं बनाना चाहती थी कि जो किसी से कुछ बात को कह दे, वह चाहती थी कि उसका जो दोस्त है ऐसा रहे जो किसी से कोई बात ना कहे, और इसीलिए उसने सिर्फ एक डायरी को ही अपना दोस्त बनाना चाहा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द किसिंग अलाउ टू एनी टॉक इन द क्लास, मिस्टर किसिंग कौन थे, मिस्टर जो किसिंग थे वो एनी के मैथ्स टीचर थे, और वो उन्होंने उसको क्लास में बात करने के लिए है ना अलाउ क्यों कहा, अलाउ मतलब उसको अलाउ क्यों कर दिया, क्योंकि एनी लास्ट डे से है ना, एनी लास्ट डे से इन द फॉर्म ऑफ द पोएम शोड द मिस्टर किसिंग है ना लाइटर साइड ऑफ द नॉटी चाइल्ड, और इट हेल्प द ब्राइड एंड द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, मतलब उसने ऐसा कहा था मिस्टर किसिंग ने उसको, क्योंकि जो एनी को एक चेटर बॉक्स के ऊपर उसको ऐसा लिखने के लिए कहा था लास्ट में, और उसने ऐसे थोड़ा सा फनी जॉक या पोयम उसमें डाल दी थी, और उसने जब सुनाया तो मिस्टर किसिंग को भी अच्छा लगा, और जो बच्चे और टीचर के बीच में जो जनरेशन गैप है ना उस गैप को फिल करने के लिए उसने ऐसा कहा था, और मिस्टर किसिंग ने हर क्लास में जाकर उसकी बात को दोहराया था, इसलिए उसको क्लास में बात करने के लिए अनुमति दे दी थी बाद में। फिर वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनोनियड विथ एनी पर क्यों गुस्सा हुए थे वो, तो मिस्टर किसिंग वॉज एनोनियड विथ एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकटिव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, जिसको अपन बोल सकते हैं है ना टॉकटिव। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये भी, कि व्हाट आर द लीडर्स इन द गोवा नॉस्टैल्जिक, तो एल्डर्स इन गोवा तो दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगाइज डेज है ना, पुर्तगाल जो पुराने समय की बात करी थी जब अपन ने द है ना द ग्लाइम्स ऑफ फ्यूचर या फिर ग्लाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था अपन ने, उसमें सारे के सारे चैप्टर्स पढ़े हुए थे, और उसमें पुर्तगाइज जो लोग थे है ना वो नॉस्टैल्जिक अबाउट जो गोवा में था है ना, मतलब आपने देखा होगा कि जो पेडर वाला अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसमें था ये पूरा का पूरा। और व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा है ना, बेकर को गोवा में क्या कहा जाता था, तो पेडर कहा जाता था है ना, जो अपने ये लेकर आता था, क्या क्या लेकर आता था कि जो ब्रेड ब्रेड लेकर आता था ठीक है। और व्हाट डिड द बेकर्स वियर द पुर्तगाइज डे, तो दे वोर द पेक्युलर ड्रेस द कॉल्ड कबाई,
कौन सी ड्रेस पहनते थे वो? कबाई, याद रखना कौन सी ड्रेस? कबाई, ठीक है, कबाई इस ड्रेस का नाम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? तो है ना, इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। ध्यान रखना मैसूर और मैंगलोर दो चीज़ें याद रखना आपको। तो क्या याद रखोगे? एक तो मैसूर याद रखोगे और एक कोस्टल टाउन मैंगलोर याद रखोगे। बैंगलोर नहीं रखना है ना, मैंगलोर, स्पेलिंग याद है ना, मैंगलोर, ठीक है, याद रखना मैंगलोर, ठीक है, ओके नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज द मेन क्रॉप्स ऑफ द कुर्ग, कुर्ग की मेन क्रॉप्स कौन सी थी? तो कॉफी इज द मेन क्रॉप्स, याद रखना। कुर्ग में क्या ज्यादा से ज्यादा बोया जाता था, क्या फसल उगती थी? कुर्ग में कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द गार्डन, है ना, राजवीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्यों था गार्डन को देखकर? क्योंकि राजवीर वाज एक्साइटेड टू सी द गार्डन बिकॉज, क्वेश्चन में से कॉपी करके लिखना है कि ही हैड नेवर सीन है ना ए टी गार्डन, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी टी गार्डन नहीं देखा था इसलिए। और जो चीज़ अपन ने पहले कभी नहीं देखी है और उसको बाद में अपन देखते हैं तो मतलब और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना, और अपना इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, बिल्कुल, है ना। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, इतने IMP क्वेश्चन मिलेंगे आप। और 19 तारीख के दिन बोलोगे आप कि सर वास्तविकता में आपने क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। और यह क्योंकि आपको यकीन नहीं होता है तो आप 12th का जो मैंने PDF डाला है या मेरा नोट्स है PDF, है ना, और पुराने समय में डाला था, अभी जैसे कि 8 तारीख को पेपर हुआ था उसके पहले मैं 4, 5, 6, 7 को डाला था, वो उठा कर देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन फंसा है, मतलब 101 पूरा का पूरा 100% उसी नोट्स में से आया, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, यहाँ तक कि जो पैसेज है वो भी बाहर नहीं गई है, है ना, ईश्वर की कृपा से। तो आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि गाइस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब, है ना, कोई मतलब उसके लिए मायने नहीं रखता है यदि आपको अच्छे नंबर आते हैं तो। नेक्स्ट अगला है, व्हाट डिड द मिज डू द बॉक्स, मिज ने उस बॉक्स के साथ क्या किया? तो मिज ने बॉक्स के साथ क्या किया था कि मिज टोर द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स का एस्केप। देखो उसने क्या, उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था, है ना, और उसके कवर था, पूरा का पूरा कवर को उसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा उसने उसको मेटल लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब छोटी छोटी कतरन कर दी, उसको फाड़ दिया और वो उससे बाहर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता हमारा, व्हाट वाज द वल्लीज 100% क्वेश्चन, भैया 100% क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, ठीक है, आपको देखना है वल्ली का फेवरेट पास टाइम, ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, 100% लिख लेना आप लोग कि ये आने वाला है कि व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वाचिंग है ना, वाचिंग व्हाट वाज हैपेंड इन द स्ट्रीट, जो गली में जो कुछ भी हो रहा था उसका पूरा का पूरा उसको देखना था बस। वल्ली क्या करती थी कि वल्ली अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी बाहर, और वहाँ से जाते हुए लोगों को, गली में आने जाने वाले, वहाँ से बसें निकलने वाली जीत थी, है ना, बस में नए नए व्यक्तियों को हर बार देखती थी वो, तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इन चीज़ों को देखने के लिए, और बस राइड के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो, है ना, और फर्स्ट जर्नी के लिए उसने बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए थे, है ना, मतलब एक एक रुपये बचाया था उसने, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये ध्यान रखना, द चेयरमैन ऑफ बनारस, चेयरमैन ऑफ बनारस का क्वेश्चन आता है, देखो कि हाउ कैन वन अटेन द पीस माइंड एंड अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, तो वन हु गेट्स द राइट ऑफ द ग्राइप एंड कंप्लेंट द अटेन द पीस ऑफ माइंड। जैसे बाय चांस आपने देखा होगा हम अपने दुख में इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि हमें दूसरों का दुख समझ नहीं आता है, और वही किसा गौतमी के साथ हुआ था, है ना, वह अपने बच्चे की डेथ में इतनी ज्यादा ग्राइप हो गई थी, दुखी हो गई थी कि उसको दूसरे का दुख नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए किस मतलब जो गौतम बुद्ध थे, है ना, उन्होंने उसे, है ना, मतलब सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम में इन चीजों को बताया था तब जाके उसे समझ आया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज लुमु एंड व्हाई वाज ही विजिट द सुबह को, तो हु इज लुमु, लुमु कौन था, तो लुमु इज अ रिच लैंडलॉर्ड्स, एक बहुत बड़ा जमींदार था, है ना, ही विजिट द सुबुकू, सुबुके के आया एंड आस्क हैंड इज द डॉटर टू मैरिज, और उसकी जो डॉटर है ना उसका हाथ मांगने के लिए वो आया था। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट के देखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो के पोएम के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ये लगेंगे। अगला पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो आपने पहले तो पोएम है, फर्स्ट पोएम इसको लिखा किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, याद रखना किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स है ना, फ्लेक्स और द स्नो ही फेल्ट रिफ्रेश द वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। मतलब देखो जब कवि पेड़ के नीचे खड़ा था, अब डस्ट ऑफ स्नो, जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी कवि के ऊपर, तो मतलब उसका जो मतलब कवि उदास था, जैसे ही उसके ऊपर गिरी तो कवि खुश हो गया, और उसका जो पार्ट ऑफ द डे जो दिन का कुछ बचा हुआ समय था वो भी अच्छा निकला। ठीक है, कभी हम दुखी होते हैं और हमारा मूड चेंज हो जाता है तो फिर हम बहुत अच्छे से वापस अच्छे मूड में होने जाते हैं, तो अच्छे मूड से हम अच्छे काम कुछ कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से दैट चेंज हिज मूड। तो ये क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है। अब कैसे उसका मूड बदल गया, तो द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, ये कि अचानक उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उससे उसका मूड बदल गया, द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम द सैड टू हैप्पी, वो उदास था तो वो खुश हो गया। व्हाट डज द फायर है ना स्टैंड फॉर, तो फायर स्टैंड फॉर है ना हेटेड इन द पोएम, किसके बारे में कहा है, इसमें फायर का मतलब क्या बताया है, जो फायर है ना, इस फायर का मतलब उसने क्या बताया है, हेड बताया, याद रखना फायर का मतलब क्या बताया, हेड बताया है, और आइस का मतलब क्या बताया है ना, आगे देखेंगे। जैसे उसके नीचे दे रखा है, फायर का मतलब क्या बताया उसने गाइस, देखो फायर का मतलब हेड बताया, और जो आइस है उस आइस का मतलब क्या बताया, डिजायर। अब डिजायर का मतलब क्या होता है ना, याद रखना डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा होती है, क्या होती है, इच्छा। ठीक है, अब ये इच्छा होती है, कोई किसी व्यक्ति को बताया कि यार इच्छा से मर जाएगा। अब हेट का मतलब क्या होता है, नफरत होती है, और कोई व्यक्ति क्या होता है कि जो नफरत से मर जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है में भी पूछ लीजिए कि व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, तो इसमें फायर का मतलब हेड बताया, याद रखना फायर मतलब हेड, और आइस का मतलब क्या होता है, आइस मतलब डिजायर। ठीक है, याद रखना आइस मतलब क्या होता है, डिजायर, याद रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा तो बनेगा, लेकिन बाकी आपको क्वेश्चन बहुत मज़ेदार मिलने वाले हैं, है ना, और 100% आप बोलोगे एग्जाम देने के बाद कि वास्तविकता में सर क्वेश्चन आए, और इसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन भी अभी बताऊंगा, 3 नंबर के भी बिल्कुल, है ना, 3 मार्क्स के अभी क्वेश्चन बताऊंगा और 100% आएंगे, गारंटेड, नहीं आए तो पैसे वापिस। नेक्स्ट, हाउ डज द टेरिफाइड द विलेजेस, हाउ डज द टाइगर टेरिफाइड द विलेजेस, तो ये देख लेना आप, इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर द नाइट, तो द टाइगर स्टेयर द नाइट स्टार्स एट नाइट, है ना, सिर्फ तारों को देखता रहता है रात भर, कुछ नहीं करता। हाउ टू टेल वाइल्ड द बंगाल टाइगर हु इज द नोबल, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपका, वेयर बाद द बॉल पोएम का, तो वेयर डिड द बॉल पोएम, पहले तो बॉल पोएम किसने लिखी है आप ये भी देख लेना इसका, और इसका 100% वाला क्वेश्चन ये है आपका, 100% वाला कौन सा, नवा क्वेश्चन कि व्हाट डज इन द वर्ल्ड पोजिशन मीन्स, वर्ल्ड पोजिशन मीन्स का मतलब क्या बताया, जो सांसारिक कार्य है ना उनके बारे में, तो इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर टू प्रोसेस है ना इन द थिंग्स, मतलब देखो व्यक्ति क्या है कि अपने सांसारिक क्रियाकलापों में हमेशा व्यस्त रहता है। आपने देखा होगा हम व्यस्त है, आप लोग व्यस्त है, अभी एग्जाम चल रही है तो आप लोग व्यस्त हैं और मस्त हैं बढ़िया तरीके से, है ना, तो ऐसे हर व्यक्ति क्या है अपने जीवन में क्या है, व्यस्त है, तो याद रखना 100% वाला क्वेश्चन है, तो दो है ना 200% आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को गाइस छोड़ना नहीं है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन और एक और लेकर आया हूँ मैं, देखो आप कि व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर मरमेड, अमांडा यदि मरमेड होती, जलपरी होती, तो अमांडा क्या करती, तो देखो इफ अमांडा वर मरमेड देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लो एंड लैंग्विड है ना इमरेड सी और ही वुड सोल द इनहैबिटेड ऑफ द सी। मतलब अमांडा यदि मरमेड होती तो पहली बात थी वो आराम से तैरती है ना, इधर उधर समुद्र में घूमती, समुद्र में विचरण करती इधर उधर है ना, हरे समुद्र का मजे लेती, कहने का मतलब। अब आपने देखा होगा, देखो पहली बात तो ऐसा नहीं है, पर अमांडा चाहती थी कि क्योंकि उसकी जो माँ थी
हर बार उसको अमांडा को डांटती रहती, अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा ये मत करो, तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था। वो चाहती थी कि मैं स्वतंत्र हूँ, और जो जलपरी जैसे बनना चाहती थी वो, है ना। अगला नेक्स्ट, अगला फाइंड द थ्री थिंग्स कैन नॉट हैपन इन द, है ना, टेल इज द फॉरेस्ट तो सिटिंग इन द बर्ड्स एंड द हीडिंग ऑफ द इंसेक्ट। मतलब जो घर के अंदर, जो देखो आपने देखा होगा, यदि हम जो घर के अंदर एक पेड़ लगाते हैं, बाई चांस वो पेड़ बड़ा भी हो जाता है, तो देखो उस पेड़ पर ज़्यादा पक्षी भी नहीं आ सकते घर के अंदर, है ना, ना तो उनसे उसमें इंसेक्ट आ रह सकते हैं, कीड़े मकोड़े। द सन बेरिंग द फीट ऑफ द शो फॉरेस्ट, मतलब कहने का मतलब तने के पास उसकी धूप भी नहीं पहुँच सकती है, पहली बात तो इन तीनों पॉइंटों को आप याद रख लेना। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम, इस पोएम में पेड़ कहाँ हैं, तो घर के अंदर है, है ना। इन दिस पोएम देर आर द लोकेटेड इन द पोएट्स हाउस, है ना, बस इतना सा लिखना आपको, है ना, पोएट्स हाउस तक, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस टू, ट्रीज कैसे कंपेयर किया गया है। द पोएट्स कंपेयर ब्रांचेस द, है ना, पेशेंट हु वर द न्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब उस व्यक्ति से पेड़ों को कंपेयर किया गया है कि जो एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, कि मतलब जिस जो हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, घर जाने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, ऐसा क्वेश्चन है वो वाला पूरा। और नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि, है ना, व्हाट डज द सीन पर, कि ये तो मत करना आप, हाँ ये जरूर कर लेना। हाउ डज द फोक कम, है ना, फोक कैसे आती है। द फोक कम्स ऑन लिटिल केट, एक छोटी सी बिल्ली की तरह आती है छोटे दबे पेड़ से, है ना, कोहरा जैसे ही धूप आती है तो कोहरा निकल जाता है। द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इसका क्वेश्चन आएगा कोई सा भी, है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ द यंग हेयर, है ना, द टेल ऑफ कस्टर्ड का याद रखना, द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन, इसके क्वेश्चन आप याद कर लेना, पर ये क्वेश्चन इसका नहीं है। द व्हाट इज द यंग, व्हाट इज द कलर ऑफ द यंग ह्यूमन हेयर, मतलब उस औरत के बालों का कलर कैसा था, तो यह हनी कलर था, याद रखना, ठीक है। द यंग वुमेन्स हेयर ऑफ द येलो कलर, मतलब हनी येलो कलर आएगा, हनी, ठीक है। हनी का मतलब क्या होता है, शहद के जैसा थोड़ा सा सुनहरा टाइप। अगला, वाई वाज द यंग वुमेन, है ना, वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, वो महिला जो अपने बालों का कलर क्यों चेंज करना चाहती थी। सी वांट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, मतलब वो चाहती थी कि उसका जो प्रेमी है वो उसके बाहरी रूप से, या मतलब उसकी सुंदरता को देखकर उससे प्रेम ना करें, मतलब उसकी आंतरिक स्थिति को देखकर उससे प्रेम करें, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो सुंदरता को देखकर प्रेम करते हैं, और बाद में उनका शादी वादी टूट जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। तो व्यक्ति को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर, मतलब उसको कैरेक्टर को देखकर, क्या कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है उसका, है ना, ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुछ मैं आपको फुटप्रिंट के भी बता देता हूँ। देखिए फुटप्रिंट के, है ना, ये कुछ लाइनें को ऐसी आई है, है ना, जो लैंग्वेज चेंज के कारण है। नेक्स्ट, आप पहला क्वेश्चन है हमारा फुटप्रिंट का, कि वाई वाज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में क्यों वो, है ना, वरीड थी। चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी बताऊँगा अभी, तो ये क्वेश्चन देख लेना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लगेगा लगभग, है ना। हाउ डिड मिसेस पंपरी द सर्वेंट बिहेव द ट्रिकी वाज बिंग द, ये देख लेना। वाई वाज द हरी, है ना, फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट डज द हरी सिंग द अनिल टू रिटर्न, ये क्वेश्चन लगभग आएगा, ये वाला क्वेश्चन, है ना, रिटर्न वाला जो क्वेश्चन है, कि ये वाला क्वेश्चन, है ना, फोर्थ क्वेश्चन, कि वो हरी सिंह के बदले क्या काम लेता था उससे अनिल, है ना। तो हरी गोट एजुकेटेड एजुकेशन द गुडविल इन द रिटर्न ऑफ द अनिल वर्क। नेक्स्ट, आसूबल वाला क्वेश्चन भी देख लेना, है ना। और व्हाट डज द हॉर्स डेबनी द लाइक द कलेक्ट, और हाउ डिड द इनविजिबल मैन विजिबल, ये 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा छुप गया है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, कुछ इसमें थोड़ा सा हो जाता है, देखो जब भी हम इसमें बनाते हैं वीडियो, तो ये क्वेश्चन है, व्हाई वाज द इनविजिबल मैन वंडरिंग द स्ट्रीट, है ना। अब इनविजिबल मैन वाला फुटप्रिंट वाला, और देखो फुटप्रिंट में से तो 100% आना, फुटप्रिंट जो चैप्टर है उसमें से आना है, क्योंकि बुक उसी के नाम पे, और यदि उसी के नाम पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर बुक का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो द इनविजिबल मैन वाज द वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स बिकॉज ही गेट द सेट फायर ऑफ लैंडलॉर्ड्स हाउस द बिकम द होमलेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रिचर्ड, है ना, हाउ डिड रिचर्ड एवराइट द मदर्स हेल्प हिम, है ना, बिकम द साइंटिस्ट, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इस वाले क्वेश्चन को भी
कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन ऑफ द मैडम लोइजेल और वाई वाज सी अनहैप्पी, है ना, ये क्वेश्चन भी कर लेना। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ डू द रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया। वाई वाज द होलीज फादर वरीज अबाउट हर, होली के पिताजी उसके ऊपर क्यों ज़्यादा मतलब चिंतित थे। और वाई वाज द बोलीज प्रेजेंट एक्सेप्टेड द विशंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आता है वो देखो, देखो बड़े क्वेश्चन है जो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज द हेल्प ऑफ द लेंचो ही रिएक्ट देयर इन द, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला हंगर फ्रीडम फॉर चेंज हर लाइफ, जैसे कि इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द लाइफ, मंडेला वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फ्रीडम लेटर, है ना, मंडेला फाउंड दैट फ्रीडम हैड बीन द टेकन फ्रॉम हिम ए स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है ना। और ये वाला द मैंडेट ऑफ द हिम द स्टेज कंप्लीट द फाइनली सिगल टू फ्लाई, ये क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिसेंट कोड आउट पीपल वाला, ये क्वेश्चन व्हाट इज द स्टोरी अबाउट किशा गौतम ही वाला है ना, तीन नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। वीडियो को रोक कर आप जरूर देख लीजिएगा इनको, ठीक है। सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया 100% आएगा इन सेंट्रल आइडिया, ए टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया करो आप, है ना, टाइगर इन द जू का एक सेंट्रल आइडिया इस बार आने वाला है 100% भी, है ना। सेंट्रल आइडिया आएगा व्हाट इज द हरीज, है ना, गेटिंग द डिस्चेंज ऑफ इन क्वेश्चनों में से 2022 के क्वेश्चन काफ़ी देख लेना थोड़ा सा, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका बन जाए। हाउ डिड बोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग ऑफ आर कोर्स ऑफ लाइफ, है ना। इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है।